दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। ग्रामीणों द्वारा परंपरागत तरीकों से गोबर से गोवर्धन बनाकर भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही गांव में गौरा गौरी विवाह का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग गौरा गौरी के विवाह के साक्षी बने। इसके बाद ग्रामीणों ने गौरा गौरी की शोभा यात्रा निकाल गाजे बाजे के साथ प्रतिमा का विसर्जन किया। दीपावली की रात से गौरा गौरी का विवाह की परंपरा निभाई जाती है। पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर गौरा गौरी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। गौरा गौरी विवाह देखने श्रद्धालुओं की भीड़ रात भर देखने को लगी रही। वहीं भजन कीर्तन के साथ ग्रामीण बारात में शामिल हुए। गौरा गौरी विवाह का आयोजन पूरे मोहल्ले वासियों के सहयोग से किया गया, जिसमें ग्राम वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ग्रामीणों ने कहा कि ये त्योहार आपस में प्रेम व भाईचारा को बढ़ाता है। गौरतलब है कि दुर्ग शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण अंचल ग्राम घूमकर रवेली डीह में गोवर्धन पूजा की गई। पारंपरिक मांदर की थाप पर गौरा गौरी गीत के साथ विसर्जन यात्रा निकाली गई। लोग मान्यता है कि गौरा गौरी पूजा के मौके पर सोटे से प्रहार से अनिष्ट टलते हैं और खुशहाली आती है। इसी की कामना के लिए हर साल गौरा गौरी का अनुष्ठान कर पूजा अर्चना करते हैं और दीपों के इस पर्व की सभी को शुभकामनाएं व बधाई दी जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।